हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम जो सीरीज पढ़ रहे थे उसके पार्ट नंबर 14 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का प्रॉब्लम, जिसका नाम है जावा स्ट्रिंग। यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग दिया गया है जिसका नाम है S1 एंड S2। इसको क्या करना है, पहले आपको कौन कोऑर्डिनेट करना है, फिर उसके बाद इसको रिवर्स करना है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इससे पहले भी हमने इस टाइप का प्रॉब्लम कर रखा है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग लिया है जिसका नाम रखा है CONT, मतलब कॉनकॉर्डिनेट, और जो हमारे S1 एंड S2 है उसको कॉनकॉर्डिनेट करके इसमें स्टोर कर लिए। फिर हमने एक सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है, फिर उसके बाद हमने एक लूप चलाया है, और उसको लूप कैसे, हमने अपोजिट साइड से उस लूप को चलाया है, और जो भी उसका कैरेक्टर आया है अपने जो रिजल्ट नाम का हमने बनाया स्ट्रिंग उसमें स्टोर करा लिया, फिर उसको हमने सिंपली उसको रिटर्न करा दिया। तो चलिए देख लेते हैं इसको कंपाइल करके। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो सही आया है। अब चलिए इसको सबमिट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रॉब्लम। हमारा अगला प्रॉब्लम है प्रिंट द लेफ्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें एक एरे दिया गया है और बोला है आपको हर स्टेप में एक एलिमेंट को रिड्यूस कर देना है। आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, मैक्सिमम एलिमेंट से, फिर उसके बाद मिनिमम एलिमेंट, फिर उसके बाद मैक्सिमम एलिमेंट, फिर उसके बाद मिनिमम एलिमेंट, ऐसे कर करके आपको क्या करना है, लास्ट में जो आप जो एलिमेंट बचेगा उसको रिटर्न कर देना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम सबसे पहले जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है उसको रिमूव करते हैं, जैसे 9, फिर उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2, फिर उसके बाद सबसे मैक्सिमम 8, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट 3, फिर उसके बाद सबसे मैक्सिमम 7, फिर उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट 4, तो बचेगा क्या हमारा 5। अगर हम लोग यहाँ पे अपना पहला एग्जांपल देखें तो
यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो अप्रोच रहेगा स्टेप वन में, इस एरे को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के बाद हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। हमें क्वेश्चन में क्या बोले रखा है, जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उसको हमें पहले रिमूव करना है, उसके बाद मिनिमम वैल्यू को रिमूव करना है, फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू को, फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू को। तो अगर हम लोग रिमूव करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो लास्ट में हमारा क्या एलिमेंट बचता है, चलिए देख लेते हैं। 9, 2, 8, 3, 7 एंड 4। लास्ट में हमारा बचता है 5। और हमारा आउटपुट क्या आया था, 5। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा साइज क्या है, ओड है। अगर हमारा इवन साइज आता है तो क्या करेंगे, वहाँ पे तो हमारे दो एलिमेंट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा जो इवन साइज है उसको ओड साइज में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कोई भी एरे को अगर वो इवन है तो उसको हम लोग ओड में कैसे बना सकते हैं, सिंपली जो भी साइज दिया गया है उसमें 1 माइनस कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो एरे का साइज इवन था वो ऑड हो जाएगा। और सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे जैसे इसको किए, सॉर्ट करके हमारा बीच वाला एलिमेंट निकाल लिए हैं, ठीक उसी प्रकार उसको भी करेंगे। एलिमेंट मीन्स इंडेक्स, हमें यहाँ का इंडेक्स फाइंड करना है। तो अगर हमें मिडिल का इंडेक्स फाइंड करना है तो उसका सिंपल फार्मूला ये होता है कि जो भी साइज दिया गया है, साइज डिवाइड बाय 2। इससे हमारा क्या होता है, जो भी मिडिल में इंडेक्स होता है वो हमें मिल जाता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, मिडिल इंडेक्स फाइंड करना है हमारे एरे का और उसको सिंपली रिटर्न कर देना है। तो चलिए एक बार इसको कोड में देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो एरे था उसको हमने सॉर्ट कर लिया है, फिर हमने जो भी हमारा एरे का साइज था उसको 2 से डिवाइड करके उसको ए में स्टोर कर लिया। फिर उसके बाद हमने एन मॉड्यूलो 2 किया है। अगर वो हमारा साइज जो है इवन होता है तो जो भी हमने यहाँ पे एन बाई टू ए को स्टोर किया है साइज के साथ, उसको आप 1 माइनस कर दीजिए और फिर उसको जो भी इंडेक्स आएगा आप उसको रिटर्न कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, हमारे सिंपली ए को रिटर्न कर दीजिए। तो चलिए अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कंपाइलेशन था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलिए अब इसको सबमिट कर लेते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।
अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।